Hello guys and welcome to my channel and wishing you all a happy Dashera. So आज हम करने वाले अपनी bike की chain clean and lube वो भी proper and appropriate way में. तो चलिए चलते हैं अपनी bike के पास. तो ये खड़ी है अपनी प्यारी सी चैन, अपनी Pulsar. अगर इसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द. तो जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाला इस पूरी प्रोसेस के लिए वो है WD-40. ये जब मैं शुरू करूँगा तो आपको बताऊँगा कि मैं यू क्यों यूज़ कर रहा हूँ. और एक मोटर का चेन लूप, एक ब्रश और एक माइक्रोफाइबर क्लोथ. चलिए शुरू करते हैं. अपने पहला स्टेप है WD-40 हम छिड़केंगे चेन में. ये क्या करेगा, जितने भी चेन में डर्ट है उसको डिक्रीज कर देगा. सो दैट हम चेन करते हुए ईजिली साफ हो. मेरी चेन ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि मैं ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करता. जो बंदे ज़्यादा ऑफ रोड करते हैं वो आगे भी खोल लें ताकि जो मिट्टी वगैरह उससे कड़ी वो निकाल सकें. क्या करना है, पहले हमें इसे छिड़कना है सो दैट वे डिक्रीज कर दें सारे पोर्शन को. और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज इसे व्हील को रोटेट करें ताकि आप थोड़ा थोड़ा चेन छिड़कते रहें. एक एक टूथ को हम ऐसे साफ करेंगे, एक एक चेन को, एक एक चेन के पार्ट को ऐसे ब्रश से, ताकि जो सारी डर्ट है वो साफ हो जाए. एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि WD-40 आप सिर्फ डिक्रीज करने को ही यूज करें, लूब करने के लिए. मैं लिखा हुआ है कि आप इसे लूब कर सकते हैं पर आपके लिए चेन के लिए सही नहीं है. बिकॉज WD-40 क्या करता है, वो डस्ट को अट्रैक्ट भी करता है. जब वो आप यूज़ करोगे तो वो चलेगा. डोंट फॉरगेट टू क्लीन दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्प्रॉकेट को. अपने टूथ्स को द थर्ड स्टेप इज़ टू क्लीन द चेन विद क्लोथ, ताकि जो रह गया था उसको हम कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकें और कोई पार्ट बच ना जाए. सो आप देख सकते हैं कि चेन अच्छे से क्लीन हो गई है. और ये जो आप क्लोथ यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब ही हो, तो आप नया कपड़ा ना ले लें और फिर उसको आप, क्योंकि आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी सी हालत हो जाएगी. दिनेश सर थोड़ा पास आके दिखाएंगे चेन को, कैसे चेन साफ हो रही है. तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये सारा पार्ट है ये सारा साफ हो गया है. और अब हम जाए की तरफ ताकि जो स्प्रॉकेट में है उसको भी हम साफ़ कर लें अच्छे से. टूथ स्प्रॉकेट टूथ में है इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि चेन मेरी पूरी की पूरी क्लीन हो गई है. आप ये देख सकते हैं सारे चेन के पार्ट्स बिल्कुल साफ़ हो गए, बिल्कुल नई बन गई है. ये मोटर का हम चेन लूप अब चेन में लगाएंगे. तो मेक श्योर आप ये बात ध्यान रखें कि आप इस वाले पोर्शन में ही लगा रहे हो, यहाँ से ना लगाएं और ऐसे ना लगाएं. कोशिश करें ऐसे ऐसे ही लगाएं. इस प्रोसेस में आप लगाओगे तो आपका जो चेन लूप है वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऊपर ही चेन के डिपॉजिट होगा. नीचे से करोगे तो क्या होगा, वो सारा नीचे ही गिर जाएगा. और क्या है कि
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डाल के करें, पर वो सिर्फ ये है कि टाइम बचाना चाह रहे हैं, वो चेन में लगेगा ही नहीं। जैसे आप बाइक स्टार्ट करके गियर में डालोगे वो सारा आपका टायर में जाएगा, क्योंकि वो डिपॉजिट नहीं होगा, आप चेन में लगेगा ही नहीं, वो पहले ही उड़ना शुरू हो जाएगा। और मैं ऊपर से करें ताकि जो अंदर रिंग्स हैं उनमें सीधा ही आपका जाए। एक बात बताना भूल गए, जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं उनका भी चैनल है, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी वाइन सुनाते हैं। क्यूजनेस टास्क यहाँ पे, सो दैट आपके टूथ्स में भी लगे। If you find this video informative, please like, share and subscribe. Tab tak ke liye, ride safe and stay safe.